बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़ीज़ तलबा इस लेक्चर में हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला मौजू है सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी खिदमत मैंने आपको बताया था कि ये एक सिलसिला है जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस की तरह ये सारे टॉपिक्स आगे चलते हैं इस सिलसिले का मौजूदा जो हिस्सा है या स्टेप है वो हम उनकी सियासी खिदमत के हवाले से डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम आगे तहरीक अलीगढ़ की तरफ़ बढ़ेंगे इस हवाले से मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखाया था पिछले लेक्चर में इस टॉपिक के शुरू में सर सैद अहमद ख़ान की तालीमी और सियासी खदमात का जायज़ा पेश करें मैंने आपको ये भी बताया था यहाँ मैं रिपीट करता चलूँ कि ये क्वेश्चन दो हिस्सों में तकसीम भी हो सकता है सर सैद अहमद ख़ान की तालीमी ख़दमात का जायज़ा पेश करें एक हिस्सा ये हो सकता है यानी एक क्वेश्चन उनकी सिर्फ खिदमत से मुतलक हो सकता है जो हम मुकम्मल कर चुके हैं उसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है वो बेशक आप लिख भी लें सर सैद अहमद ख़ान की सियासी खदम्त का मुफसल जायज़ा पेश करें ये बज़ दफ़ा इस तरह भी यूनिवर्सिटी में के पर्चे में आ जाया करता है और इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि एक शॉर्ट नोट की हैसियत से भी ये आ सकता है यानी तीनों हैसियतों में जो मैं आपको बता चुका हूँ तफसील से ये आ सकता है क्योंकि ये इम्तहानी नुक़ नज़र से हमारे कोर्स के अहम तरीन टॉपिक्स में से शुमार किया जाता है इस वजह से मैं आपको आ, वजाहत से ये बात लेक्चर के शुरू में बता देता हूँ कि यह किन किन हवालों से किन किन तरीक़ों से आ सकता है ताकि आप मैक्सिमम जो है तरीक़ों से और हवालों से आप तैयारी कर रखें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो अब हम टॉपिक का आगाज़ करते हैं पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंजर और सर सैद अहमद खान के सियासी ख्याल के मुतल बताता हूँ इंतहाई मुख्तरा सर सैद अहमद खान बर सगैर के मुसलमानों के हवाले से ये राय रखते थे कि उनको डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए डायरेक्टली सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी भी तौर पर क्योंकि अंग्रेज़ों ने इकतदार मुसलमानों से छीना था और अगर मुसलमान जंग के फ़ौर बाद सियासी सरगर्मियों में मुलिस होते तो अंग्रेज़ उनकी वफादारियों को जो कि पहले काबिल नहीं समझते थे वो मज़ीद मशकूक समझते इसके अलावा दूसरी वजह ये थी कि मुसलमान तालीम बिलखसूस अंग्रेज़ी तालीम से नाश थे अब अंग्रेज़ी तर्ज की सियासात में कदम रखने के लिए या मतहरक होने के लिए ये ज़रूरी था कि मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम से बहरावर हो चुके हों और वो अंग्रेज़ों के मिजाज उनके तर्ज़ सियासत हुकूमत और उनकी सियासी सोच को अच्छी तरह समझते हों ताकि उनसे उनके मिजाज के मुताबिक अपनी बात मनवा सकें अपने मुतालबात मनवा सकें ज़ाहिर है कि इस सारे सिलसिले को या इस सारे सिलसिले में आ, दाखिल होते हुए तालीम का हसूल पहला कदम या पहली मंजिल की हैसियत रखता था सो उनका यह मशवरा था कि मुसलमान अपनी तमाम तर तवज्जो फ़िलहाल तालीम हासिल करने पर लगा दें वो अपने आप को तालीम याफ्ता बनाएँ उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी माशरती हैसियत को मनज़म करके तो अपने मुतालबात अप जो है मनमज़म तरीके से पेश करने और मनवाने की पोजीशन में आ सकेंगे लेकिन ये उनका उन मशवरा था मुसलमान कौम के मतलक लेकिन जहाँ तक उनकी अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है तो वो मुख्तलफ़ हवालों से आ, सियासी मामलत पर अपनी राय पेश करते रहते थे और मुसलमानों के मसाइल बिलखसूस और बरसर के अवाम के मसाइल बिलूम अंग्रेज़ हुकमरानों के नोटिस में लाते रहते थे और मुसलमानों के मौक़ की वजाहत भी करते रहते थे क्योंकि ज़ाहिर है कि वह तालीम याफ़्ता थे अंग्रेज़ों के मिजाज को समझते थे तो उनको ये पता था कि कौन सा मुतालबा या कौन सी बात किस तरीके से और किस वक़्त पेश करनी चाहिए ताकि उसकी कामयाबी की जो है वो ज़्यादा उम्मीद हो सके सो so, इस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुसलमानों को दरपेश मसाइल तमाम अहम मसाइल पर अंग्रेज़ हुकाम से मुलाकातें की उनके आ, नोटिस में मुसलमानों के मसाइल लाए गए और बड़ी हद तक बड़ी हद तक वो हल भी होते रहे सर सैद की कोशिशों की बदौलत ये उनकी सियासी ख़दमत का पस मंज़र या उन और उनके सियासी ख़याल का अफकार का तारफ़ था जो कि वो मुसलम मुस्लिम सियासियात के हवाले से रखते थे ये इब्तदाई तौर पर आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी और लाजमी है क्योंकि इसके बाद आगे जो हम हैडिंग शुरू करने वाले हैं वो आप इस बात को जो मैंने आपको वजाहत से समझाइए समझे बगैर कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा ये एक सीक्वेंस की शक्ल में एक सिलसिले की शक्ल में स्टेप बाय स्टेप आगे टॉपिक चलेगा सो इस बात को इब्तदाई तौर पे समझ लेना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी और लाजमी है अब हम आते हैं अपने सवाल के जवाब की तरफ और हम उनकी सियासी खदमात को वन बाय वन मुख्तसरन डिस्कस करेंगे आ, ये बात मैं आपको क्लियर करता चलूं अगली हैडिंग बताने से पहले कि अब तक मैंने जो बात बताई है वो सवाल के जवाब का हिस्सा बिल्कुल नहीं है ये आपको समझने के लिए बताई है अब आप अगर आप इसको आ, सवाल के जवाब में लाना भी चाहें तो उस सूरत में भी हम इसको आ, एक हेडिंग बना के एक और तरीके से ला सकते हैं जो मैं आपको वो भी बता देता हूँ हम एक हेडिंग बनाएंगे मैं आपको हैडिंग लिखवा देता हूँ सर सैद अहमद खान की मुस्लिम सियासियात के हवाले से राय और मुसलमान कौम को दिया जाने वाला मशवरा सर सैद अहमद ख़ान की मुस्लिम सियासियात के हवाले से राय और मुसलमान कौम को दिया जाने वाला मशवरा ये हेडिंग इब्तदाई तौर पे हम बनाएंगे और उसमें ये बात जो मैंने आपको तफसील से बताई है हम मुख्तसरन ऐड कर देंगे ये उस सूरत में है कि अगर आप इसको सवाल के जवाब में लाना चाहें तो अगर न लाना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं जो मैं आपको पहले तफसील से बता चुका हूँ लेकिन अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं क्योंकि जाहिर है कि उनकी सियासी खदमात में उनके इस मशवरे को बड़ी अहमियत हासिल है इसको शामिल किया जा भी सकता है अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली हैडिंग की तरफ नेक्स्ट हैडिंग लिखें रिसलाबाब बगावदे, हिंद की तहरीर रिसाला इसबाब बगावत हिंद की तहरीर उनके सियासी खिदमत में एक बड़ी और अवलिन सियासी खिदमत क्या थी बड़ी और अवलीन सियासी खिदमत ये थी कि जंग के फ़ौर बाद जबकि मुसलमानों को बहसीत कौम जंग का ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा था और उनका शुमार एक मफतूह कौम की हैसियत से किया जाता था उनको मुजरिम करार दिया जाता था तो सर सैद अहमद ख़ान ने अपनी जाती हैसियत और असर व रसूख को इस्तेमाल किया मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनका शुमार वफ़ादार मुसलमानों में होता था वफ़ादार मुसलमान से क्या मुराद है, जो कि अंग्रेज़ के वफादार थे क्योंकि वो यासी सोच के हवाले से भी अंग्रेज़ों की मुखालफ़त ना करने के कायल थे ये उनकी जो मैंने ऊपर आपको पस मंज़र बताया इसमें भी आप शुमार कर सकते हैं कि वह बुनियादी तौर पर वफ़ादार थे और अंग्रेज़ों की मुखालफ़त ना करने के ही कायल थे इस असर रसूख को और इसके अलावा उनका फैमिली बैकग्राउंड भी मैंने आपको मुख्तसरा बताया था उनको ये जो स, तमाम हवालों से असर व रसूख हासिल था उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक रिसाला लिखा उसका नाम था इसबा बहााव हिंद यानी हिंदुस्तान की बहावत के असबाब ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि उस ज़माने में इसको बगावत यानी इस जंग आज़ादी को बगावत कहा जाता था जंग आज़ादी तो इसको बाद में कहा जाने लगा उस ज़माने में इसको बगावत कहा जाता था ये हम तफसील से पढ़ भी चुके हैं ऊपर इस रसाले में उन्होंने उन इसबाब का तफसीली जायज़ा पेश किया जो कि जंग छिड़ने का या जंग के आगाज़ का बाइस बने बुनियादी तौर पर उन्होंने पाँच बड़े इस्बाब की निशानदही की और इन पांच में से चार इसबाब की ज़िम्मेदारी अंग्रेज़ हुकाम और मातहत अफसरान पर और उनकी पॉलिसियों पर परद की उन्होंने ये वजाहत की कि हुकाम की पॉलिसियों की वजह से आवाम और मातहत मुलाजमीन सख्त तकलीफ़ में मुब्तला थे इस तरह की कई चीज़ें उन्होंने आ, जो है वाज़ कि बड़ी अथेंटिक मसालों के साथ जिनको मैं मुख्तर करता हूँ यह रसाला उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान और वायसराय हिंद को ए, इसकी कॉपियां भेज दी इस हवाले से जब उनसे वजाहत तलब की गई तो उन्होंने वाज किया कि ये सिर्फ़ अंग्रेज़ों को आ, कुछ अंग्रेज़ हुकाम के नोटिस में कुछ बातें लाने के लिए लिखा गया है इसको अवाम में नहीं फैलाया जाएगा इस अशात का इस तहरीर का या उस तसनीफ़ का हम जो भी कह लें क्योंकि अशात तो बाद में किसी वक़्त की गई थी बहुत बाद के ज़मानों में सर सैद की इस तहरीर का या ये रसाल लिखने का आसान तरीन अल्फ़ाज़ में मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा असर मुरतब हुआ अंग्रेज़ काम ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया सर सैद अहमद ख़ान ने एक राय कायम की थी कि हिंदुस्तान के हवाले से जो भी अमूर तय किए जाएँ उनमें हिंदुस्तानियों की मशावरत होनी चाहिए और उनको अपनी बात अपने मसाइल हुकाम के नोटिस में लाने का मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि अवाम और हुकाम के दरमियान कोई रा मौजूद नहीं था जिससे कई गलत फ़हमियाँ पैदा हुए उन्होंने इस सूरत हाल का तज् करते हुए आखिर में यह तजवीज पेश की कानून साज काउंसल में हर सतह पर मकामी लोगों को नुमाइंदगी दी जाए जो कि बर सगीर के अंदर जो यानी बर सगीर के अंदर जो कानून साज काउंसिलें बनाई जाएं उनमें मकामी लोगों को जरूर नुमाइंदगी दी जाए यह तजवीज हुकाम को पसंद आई और 1861 सौ इकसठ ईस्वी में कानून मजालस हिंद जिसको इंडियन काउंसल्स एक्ट भी कहा जाता है वो पास हुआ सन 1861 1861 में और इसमें इसके तहत कानून साज काउंसलों को कायम किया गया उनमें तोसी की गई और मकामी लोगों की कानून साज काउंसलों में शिरकत की गुंजाइश रखी गई वो इसमें फिर काफ़ी सारी पेचीदगियाँ और मसाइल थे जिनको हम अलग से डिस्कस करेंगे यहाँ उनकी तफसीलात का ए, की मुताबिकत नहीं बनती लेकिन बाहर हाल किसी